हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो ड्यू सोल फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, तो ये क्वेश्चन अब कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में उठना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब भी आप दूसरों के जो रिजल्ट है वो आते हुए देखते हो, जब आप दूसरे सेमेस्टर के रिजल्ट आते हुए देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपका भी ये अधिकार रहता है कि हमारा क्यों नहीं आ सकता। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो ड्यू सोल फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, क्या लेटेस्ट अपडेट है, कितना और समय लगेगा और कितनी और देरी लगेगी, तो मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि ड्यू सोल ने अभी SOL के फर्स्ट सेमेस्टर के हमें कुछ कोर्सेज के रिजल्ट देखने को मिले, सिक्स सेमेस्टर के हमें BA प्रोग्राम को छोड़कर सारे कोर्सेज के रिजल्ट हमें देखने को मिले। वहीं अगर सोल के फोर्थ सेमेस्टर की बात करूं तो हमें एक भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। मतलब अभी तक सोल के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का रिजल्ट का अभी तक खाता भी नहीं खुला, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आम बात है। अब सबसे बड़ी चीज़ सिक्स सेमेस्टर का आ गया, फर्स्ट सेमेस्टर का आ गया, बट हमारा कब आएगा, जबकि सिक्स सेमेस्टर ने भी जो एग्ज़ाम दिए थे वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ दिए थे, तो उनका क्यों आ गया, हमारा क्यों नहीं आएगा। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बेशक सिक्स और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके मई जून में हुए हो, बट सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट जल्दी प्रोसेस किए गए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर उनका सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा तो इसका मतलब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको आने वाले टाइम पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं एडमिशन लेने में, कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने में। इसी वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस रहती है, इसी वजह से सिक्स सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जल्दी प्रोसेस किया गया और डिक्लेयर किया गया। अगर मैं फोर्थ सेमेस्टर की बात करूँ तो आपका जो रिजल्ट है वो सेकेंड ईयर में इंक्लूड किया जाता है, और आपको कहीं भी अभी एडमिशन नहीं कराना है, सिर्फ आपका जो एडमिशन होगा सोल के अंदर होगा, जिसके लिए सोल ही आपका एडमिशन लेगा। बट वहीं अगर सिक्स सेमेस्टर की बात, जो फाइनल ईयर की बात करें, तो उनको अलग अलग कॉलेज में अप्लाई करना होगा, जिनकी जो एक टाइम डेट होती है। जैसे अगर इनका रिजल्ट लेट हुआ तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट है जो PG तक में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट है जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, बट फोर्थ सेमेस्टर के साथ ऐसा नहीं है। उनका रिजल्ट जब भी आएगा उनको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप सोल के अंदर ऑलरेडी स्टडीज़ कर रहे हो। तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या अपडेट है। तो जो ऑफिशियल अपडेट है, जो भी हमें अपडेट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपका फोर्थ सेमेस्टर के कुछ कोर्सेज़ के जो रिजल्ट है हमें अगस्त के लास्ट वीक तक देखने को मिलेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट के जो कुछ रिजल्ट है वो आपको अगस्त के लास्ट वीक तक आपको देखने के मिलेंगे, यानी कि अभी आपको डेढ़ से दो हफ्ता आपको फ़िलहाल वेट करना होगा, जिसमें कुछ रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते। हो सकता है कि BA प्रोग्राम का पहले आ जाए, बट अभी फोर्थ सेमेस्टर से ज़्यादा अभी दिल्ली विश्वविद्यालय सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अभी सिक्स सेमेस्टर का BA प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो भी पेंडिंग है। तो जैसे सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद आपका फोर्थ सेमेस्टर की बारी आएगी, तो अभी थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। अगस्त के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आना स्टार्ट होगा, यानी अगस्त के लास्ट वीक से लेकर सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल आपको वेट करना होगा, और रिजल्ट के बाद ही आपका एडमिशन स्टार्ट होगा। तो अभी वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए कॉलेज अपडेट। जैसी रिजल्ट डिक्लेयर होगा हम आपको अपडेट कर देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, उनका आना ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उनको आने वाले टाइम पे एडमिशन लेना है, उनको फॉर्म भरना है, बट आपको तो सोल में ही रहना है अभी एक साल और, जिसकी वजह से अभी आपका जो रिजल्ट का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा स्लो रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका कहीं एडमिशन बाहर नहीं होना है, आप सोल के स्टूडेंट हो। तो अभी सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट पे ज़्यादा काम किया जा रहा है, जैसे सारे सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट आ जाएंगे, देन उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आना शुरू किए जाएंगे। और अभी इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर के भी अभी कुछ कोर्सेज़ के रिजल्ट पेंडिंग है, तो अब आप खुद सोच लीजिए आप किस कैटेगरी में अभी फ़िलहाल हो, ठीक है, तो टाइम तो लगेगा। तो जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे।
और रिजल्ट आ जाता तो आज बता देंगे, कल आएगा तो कल बता देंगे, किसी भी टाइम रिजल्ट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। हमने आपको बता दिया कब तक आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।